हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। कॉलेज प्रोफाइलिंग की सीरीज में आज जो कॉलेज में कवर करने वाला हूं उसका नाम है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि बिहार के किशनगंज में लोकेटेड है। वन ऑफ द हाईली रेटेड कॉलेज है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में बिहार के अंदर में, जहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी एकेडमिक्स तो मिलती है, काफी सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरमेंट मिलता है, पेशेंट इनफ्लो वन ऑफ द बेस्ट है स्टेट के अंदर में, और जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है ओवरऑल कॉलेज के अंदर में वो काफी अच्छी पॉजिटिविटी लाता है स्टूडेंट्स के माइंडसेट में। तो आज जानेंगे इस कॉलेज की क्या क्या खासियत है, किस तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी, क्या कट ऑफ जाता है यहाँ पे, यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कितना टोटल पैकेज यहाँ पे डिराइव होता है वो मैं आपको करके बताऊंगा, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी, लिविंग कंडीशंस, बहुत सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको काफी इंप्रेस करेगा अगर आप बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एक ऑप्शंस के तौर पे लेकर के चल रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। स्टार्ट करते हैं हाईलाइट से। 1990 में स्टैब्लिश किया गया था इस कॉलेज को, 100 एमबीबीएस की सीट्स हैं यहाँ पे। वहीं पीजी की बात करें तो 101 सीट्स हैं, जहाँ पे 17 डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, रिकॉग्नाइज बाय एनएमसी। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो है बीसीईसी, जो कि बिहार स्टेट काउंसिलिंग प्रोसेस है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे आप यूजी एंड पीजी प्रोग्राम में किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो माता गुजरी में भी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी आपने एमबीबीएस किया है तो पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, और यूजी के लिए भी सारी सीट्स ओपन है। यूजी की कट ऑफ की बात करें तो 430 का स्कोर रहा था, और जो लोएस्ट कट ऑफ था वो राउंड टू में, क्योंकि इसके बाद में मॉपअप राउंड में इसकी सीट्स नहीं बच करके आई थी। पीजी की कट ऑफ अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए तो रेडियोलॉजी में 48,249 का कट ऑफ रहा था, डर्मेटोलॉजी में 52,104 का, जनरल मेडिसिन में 57,931 का, पीडियाट्रिक्स में 68,845 का, और लोएस्ट कट ऑफ जनरल सर्जरी में 88,619 का। बाकी की भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ हमारे पास में अवेलेबल है, जो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। अब इस कॉलेज की जो सबसे खासियत है वो ये है कि यहाँ की मैनेजमेंट काफी अच्छी है और काफी फोकस है इनका ओवरऑल कॉलेज की डेवलपमेंट में, चाहे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एक अच्छी फैकल्टीज की सोर्सिंग हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्होंने एक अच्छा कोशिश किया है कि वेल मेंटेन एक कैंपस मिले, और जहाँ पे रेगुलर ये भी डेवलपमेंट करते हुए आपको नजर आएंगे। पेशेंट इनफ्लो बहुत ही इंप्रेसिव है, अगर बिहार के अंदर में एक बहुत ही अच्छा अगर क्लिनिकल एक्सपोजर वाला कॉलेज चाहिए तो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज का नाम इसमें जरूर आता है। फैकल्टी का स्ट्रेंथ भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल में, 680 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल है, ऑन एन एवरेज आपको लगभग 1200 से 1300 पेशेंट का डेली इनफ्लो नजर आएगा यहाँ पे। पीजी में स्टाइपेंड एप्लीकेबल है, 68,000 आपको अप्रॉक्सिमेटली फर्स्ट ईयर में पे की जाएगी, जो कि मंथली मोड पे, सेकेंड ईयर से 75,000, थर्ड ईयर से 82,000 रुपीज के आसपास का। बॉन्ड कोई एप्लीकेबल नहीं है, कोई बैंक गारंटी नहीं है। एकेडमिक्स की जब बात आती है तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज का भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्टैट्स होता है जो कि आपको बताएगा कि किस तरीके का एकेडमिक एक्सीलेंस है। 96% का पासिंग परसेंटेज है ऑन एन एवरेज, अगर हम इस ये अगर आपको बताऊं कि पासिंग परसेंटेज का जो स्टैट्स है ये मैंने 3 साल का एग्रीगेट निकाला है, जहां पे जो मेडिकल ग्रेजुएट्स करके निकल रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं थर्ड प्रोफेशनल पार्ट टू के एग्जाम को देकर के, उनका हमने यहाँ पे स्टैट्स निकाला है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 3 किलोमीटर है फ्रॉम किशनगंज रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो कि अबाउट 90 किलोमीटर पे है। अब फैसिलिटीज की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको सारी चीजें कैंपस के अंदर में मिलेंगी, चाहे वो हॉस्टल हो, एकेडमिक बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, हर कुछ आपको अंदर कैंपस के अंदर मिलेगी। अगर यहाँ पे आप बाकी चीजें देखें तो मेस फैसिलिटी में आपको यहाँ पे कैंपस के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज आपको सर्व किया जाएगा। शेयरिंग अगर आपको देखा जाए हॉस्टल के अंदर में तो 2 शेयरिंग आपको मिलेगा। लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रॉपरली मैनेज्ड है, जहां पे हर तरह की बुक्स एंड जर्नल आपको यहां पे मिलेंगी। टाइमिंग भी काफी एक्सटेंडेड है, 8 AM से 10 PM के बीच का। कैंपस के अंदर में आपको इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी तो मिल ही रही है,
जिम फैसिलिटी है, कैफेटेरिया एंड डिपार्टमेंटल स्टोर आपको कैंपस के अंदर में मिलेंगे। लिविंग कंडीशंस में बताऊं तो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी एंड बंगाली चलता है, क्योंकि काफी बंगाल के आसपास के रीजन को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स भी काफी अलग अलग लोकेशन से नजर आएंगे, क्योंकि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पे पंजाबी स्टूडेंट तो होते ही है, साथ ही में अदर स्टूडेंट भी आपको काफी नजर आएंगे, काफी प्रिफर्ड कॉलेज है ये। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, आपको कोई गैप नजर नहीं आएगा। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि हर बच्चा यहाँ पे एक सेफ इन्वायरमेंट को फील करे। स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो एकेडमिक्स को लेकर के तो बहुत अच्छा है ही, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बेहतरीन है, और जनरली कई कॉलेजेस के हॉस्टल में आपको फूड को लेकर के कंप्लेंट्स मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको फूड को लेकर के जनरली एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो अच्छी फूड सर्व की जाती है, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है कॉलेज के अंदर में। अब कॉस्ट की बात करते हैं, 9,63,000 का ट्यूशन फीस है यहाँ पे एनुअली। ओवरहेड्स यहाँ पे भी काफी है, यानी कि बिहार के मेडिकल कॉलेज में आपको ट्यूशन फीस काफी लोअर साइड पे नजर आएंगी, बट ओवरहेड्स के वजह से काफी एक्सपेंसिव फिर हो जाता है कॉलेज। 2 लाख रुपीज का मिसलेनियस एक्सपेंस है, 3 लाख रुपीज का हॉस्टल एक्सपेंस है, 50,000 रुपीज अदर चार्जेस आपको वन टाइम पे करने होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज का है, फीस का टेन्योर 4.5 ईयर्स का है, वहीं हॉस्टल की चार्जेस आपको 5.5 ईयर्स के लिए पे करना होगा। एनुअल इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं है, कोई हिडन अदर चार्जेस नहीं है, तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर का 16.13 लाख रुपीस का कॉस्ट आता है, सेकंड ईयर में 14.63 का, टोटल पैकेज यहाँ पे जो डिराइव हो रहा है वो 71.33 लाख रुपीस है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखा जाए तो श्रीराम मूर्ति बरेली और शारदा की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल आसपास में है, बट ओवरऑल अगर आप जो कॉलेज की फीडबैक देखें तो वो काफी अच्छी है। पीजी प्रोग्राम्स में यहाँ पे प्री क्लिनिकल में तीनों डिपार्टमेंट हैं, पैरा क्लिनिकल में भी ऑलमोस्ट लगभग सारे डिपार्टमेंट हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट में भी आपको लगभग सारे डिपार्टमेंट मिलेंगी। फीस स्ट्रक्चर जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट की है वो 8,50,000 से स्टार्ट होकर के 36,10,000 रुपीज का पर एनम का यहाँ पे आपको ब्रेकअप मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम अब तक स्टैब्लिश नहीं किया गया है इस कॉलेज के अंदर में। तो ये था हमारा माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के ऊपर में वीडियो। तो ओवरऑल हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि एक बेहतरीन एकेडमिक्स के साथ में एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सेफ एनवायरमेंट आपको मिले, तो इस कॉलेज को आप जरूर ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की लोकेशन से ज्यादा बैटर करता है कि इंस्टीट्यूशन खुद में कैसा है, और वो आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, और साथ ही में हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि आपके साथ में इस तरह की और भी वीडियो मैं शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।